नमस्कार, आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 348 और ये पिछले पाठ का ही आगे का क्रम है, इसीलिए क्रम से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। और अब क्या पढ़ना है, कन्या लग्न में राहु। तो चार भाव तक पिछले पाठ में पढ़ लिया था, चार से आगे अब यहां समझिए। अब ये पंचम स्थान में राहु है, किसकी राशि का है, शनि की राशि का है, तो पंचम का फल करेगा ये। सबसे पहले तो ये समझना है कि फल किसका करेगा, पांचवें का करेगा। और कोई भी ग्रह जब उस स्थान में बैठता है और राहु को चूंकि स्वयं का कोई बहुत पावर नहीं है, वो दूसरों से ऊर्जा प्राप्त करके फल करता है, चाहे जिसकी राशि में बैठा हो या जिसके तरह काम करने का आदत हो या जिसके साथ हो। तो अब यहां राहु पंचम में बैठा तो पंचम का फल करेगा, वो समझ लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु केतु को नौकर चाकर मानिए कि पांचवें में बैठा तो पांचवें का फल करेगा। तो ये विवेक स्थान में राहु बैठा तो नीति निपुण होगा, योजना बनाने में बहुत माहिर होगा, दूसरे को भ्रमित कर दे, स्वयं भ्रमित नहीं होगा, इसके विवेक स्थान में बैठा लेकिन स्वयं भ्रमित नहीं होगा, ये दूसरे को भ्रमित कर लेगा, बहुत विवेकी होगा। ऐसा राहु आप देखेंगे कि कभी कभी लोगों को बहुत आगे तक ले जाता है, लेकिन दशा भी तो होनी चाहिए। अब इस राहु की दृष्टि नवम के ऊपर, एकादश के ऊपर और लग्न के ऊपर है, तो लग्न के ऊपर दृष्टि है तो किसी को भ्रमित करना तो अच्छा नहीं है ना। इस स्थान के ऊपर दृष्टि है, आप धर्म के क्षेत्र में बड़ा आयोजन करवाते हैं और उसमें भी कुछ बचा ले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लाभ को भी प्रभावित करेगा। तो किस तरह से करता है, स्वयं ऐसी नीतियां बनाता है जिसकी वजह से इसकी पहचान हो जाती है। लेकिन आप लोग समझिएगा कि यहां यदि राहु बैठा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, बहुत अच्छा हायर एजुकेशन ले पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा नहीं देगा यहां राहु। लेकिन यहां राहु के साथ मंगल नहीं होना चाहिए, उच्च का मंगल हो जाएगा उसके बाद भी, आठवें का स्वामी है ना मंगल। हम हमेशा कहते हैं मूल त्रिकोण देखिए, भूल जाए क्या योग बन रहा है क्या दोष लग रहा है, मूल त्रिकोण यहां है और यहां मंगल के साथ आ गया। ये मंगल उच्च का है, इस भाव का फल करना चाहेगा, जातक ताकत बहुत लगाएगा, लेकिन अब क्या करता है कि अब राहु मंगल की ही तरह काम करने लगता है, इसीलिए यह हमेशा स्टडी में ब्रेक देता रहेगा। कभी ये करने के लिए चले जाएंगे, फिर वहां से मन हट जाएगा तो फिर वो करने चले जाएंगे, तो निरंतरता की कमी हो जाती है। इसीलिए यहां मंगल के साथ अच्छा नहीं, लेकिन यदि बुध हो जाए तो त्रिकोण के स्वामी के साथ है, लग्न के स्वामी के साथ है तो बहुत अच्छा, और बुध का फल करने लगेगा। ऐसे में जातक यदि व्यापार कर रहा हो तो बुध की दशा, राहु की दशा, अब दशा नहीं तो अंतर दशा, वहां बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। चलिए अगले भाव में चलते हैं, राहु को छठे स्थान में। एक तो छठे स्थान में और शनि के घर में और उसी की तरह काम करता, और शनि यदि रोग दाता ग्रह है तो यहां राहु बैठ करके उसको रोकने नहीं बैठा, ऐसे में ऐसे रोग दे देगा वो यहां पहुंचा देगा, अर्थात लंबी बीमारी। और रोगों को पकड़ने में भी प्रॉब्लम, जैसे बुध के लिए हम कहते हैं हमेशा कि त्रिदोष देता है, रोग पकड़ना मुश्किल, ये काल पुरुष के हिसाब से तो बुध के ही घर में है और यहां भी शनि के घर में है, गुण भी शनि वाला रखता है, तो ऐसे में तो आप समझ ही सकते हैं कि छठे में राहु हो, भले महादशा में आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतरदशा आते ही अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, इतना कर्ज न ले लें कि कर्ज से आप दब जाएं,
किसी से इतनी शत्रुता न ले लें कि शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो इस स्थान का राहु हम बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहते, इस स्थान का भी नहीं कहेंगे, इस स्थान का भी नहीं कहेंगे। अब बाकी निश्चित रूप से इसके दूसरे राशि अर्थात पांचवें का भी फल ये करेगा। तो ऐसे राहु की दशा में संतान हो गया तो संभव है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातों को भी अपने नॉलेज में रखा कीजिए। यहां से दृष्टि यहां है, यहां है और यहां है, तो धन आएगा या ऋण से धन बढ़ जाएगा, ये ज्यादा जरूरी है सोचना कि धन आएगा या ऋण से धन बढ़ जाएगा। ऐसे में यदि हमसे कोई पूछेगा कर्ज के लिए एप्लीकेशन डालें मिल जाएगा, हम कहेंगे मिल तो जाएगा लेकिन सावधानी की जरूरत है, इतना ऋण मत ले लेना कि चुका नहीं पाओ। किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, कोर्ट कचहरी की भी नौबत आ जाएगी, जेल फटक जा सकते हैं, शत्रुता होगी तो हॉस्पिटलाइज करा देगा। तो विषयों को समझने की जरूरत है। हम ये नहीं सोचते कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इसकी बात नहीं है। सब अपने ज्ञान के अनुकूल बोलते हैं, अपने व्यवसाय के अनुकूल बोलते हैं। यदि आपको सीखना है तो आप समझिए कि आपको कैसे सीखना है। हम तो हमेशा पुस्तकों का भी नाम बता देते रहते हैं, आप लोग उसको भी अध्ययन करते रहें ताकि हम क्या आपको बताना चाहते हैं वो भी आज समझ सकें। आ जाइए राहु अब सप्तम स्थान में, मल्टी रिलेशन आजकल ये प्रचलन में है। लड़की के पत्रिका में है तो उसको भी यही बात बोलेंगे, लड़के के पत्रिका में है तो ये भी यही बात बोलेंगे कि वो ईमानदार नहीं होगा अपने शादीशुदा जिंदगी में। अब ये एक ने बोला, दो ने बोला, सब को पता हो गया कि राहु सप्तम में है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। इसकी वजह से पंडित जी लोग जब पत्रिका मिलाते हैं, भाई मांगलिक भी है और सप्तम में राहु भी है, लड़की अच्छी नहीं है। और जब ऐसी बात हमारे पास आता है तो चारित्रिक दोष देखने के लिए महिलाओं के लिए तो चतुर्थ स्थान बनाया, तो यहां से क्यों देखने लग गए? और राहु में ऐसा क्या खराबी आ गया? गुरु के घर में है और इसके दोनों राशि का फल करेगा तो सुख भी मिलेगा और यहां का भी फल करेगा क्योंकि ये गुरु के घर में है। और अगर गुरु के साथ हो जाए तो और अच्छा, शुक्र के साथ हो जाए और अच्छा, शनि के साथ होगा तो लड़ाई झगड़े भी होंगे और प्रेम भी होगा, तो इस तरह। लेकिन अगर मंगल के साथ हो जाएगा तब हम यदि किसी को बोलें कि अब गुप्त स्थान है उसका यहां स्वामी आ गया, तब समझ में आता है। और इस लग्न में, ये नहीं कि किसी भी लग्न में बोल दें, हम ये नहीं कहते कि सप्तम में राहु मंगल हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ये नहीं कह रहे हैं। अगर कन्या लग्न में ये हो तो ये अष्टम का भी स्वामी तो रखता है, तब हो सकता है। ये भी कह रहे हैं हो सकता है, क्यों? अगर गुरु से, शुक्र से, ऐसे शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा तो स्वयं बुद्धिमान होगा और ऐसे कार्यों से बचेगा। तो कब बोलना है और कब नहीं बोलना है ये आपको समझने की जरूरत है। अब यहां से राहु यहां दिखाई देख रहा है, यहां से ये लाभ को भी देख रहा है और यहां से तीसरे स्थान को भी देख रहा है, तो इस तीनों के फलों में थोड़ी सावधानी बतानी जरूरी होगी। तो व्याख्या ना स्वयं से कीजिए, और आपको इसीलिए छोटा छोटा पाठ दे रहे हैं। और ये लग्नानुसार भावाश्रय फल पढ़ाने का ही अर्थ मेरा इतना है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको विशेष आनंद मिलेगा, किसी भी विषय को समझ सकेंगे। क्योंकि इतने पाठों में मैं इतनी चर्चा कर दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, कभी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
लेकिन ये नहीं कि राहु मंगल यहाँ बैठ गया, किसी भी मेष लगन में भी बोल दें, वृष में भी बोल दें, मीन में भी नहीं, कन्या में आप यहाँ अच्छा नहीं कह सकते। अन्य लग्नों के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा नहीं है और कौन इसके लिए अच्छा है। तो जो लगातार पाठ पढ़ रहे हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको जल्दी में सीखना है और कलेक्टिव वे में सीखना है कि हम इन सारी बातों को जोड़ करके फलादेश कैसे करें, तब अब हमारे एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का हमारा कोर्स होता है, हर 6 महीने में प्रारंभ होता है, जनवरी में और जून में। आप नामांकन लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत फायदा होगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत